अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं। क्या करते हैं ये? कुछ भी नहीं, लटायर है। कुछ भी नहीं करते, लड़ते हैं सिर्फ, अभी भी लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं आप? वो होता है एक जगह बर्तन होते खड़कते हैं। सही बात है। क्या करते थे आप पहले? मैं रेलवे में। रिटायर हो गए जी, अब पेंशन पे गुजारा है। पेंशन? क्या हालात है? हालात बुरे गए, महंगाई बहुत। पैसों पे तो नहीं लड़ते? पैसों पे क्या लड़ना, जाहिर है बिल इतने आ जाते हैं, गैस के बिल इतने, बिजली के बिल इतने हैं कि समझ से बाहर है। अब एक रिटायर आदमी पेंशन पे कहाँ तक गुजारा करे? कितने पैसे देते हैं? सारी पेंशन ही मेरे पास होती है, वो तो एक रुपया भी नहीं रखते अपने लिए। कितने शरीफ आदमी, फिर भी आप कह रही हैं ज़्यादा, वो क्या करें? 25-26 हज़ार में क्या होता है, जबकि 20-20 हज़ार बिजली का बिल आ जाता है, गैस का बिल 6-7 हज़ार रुपये आ रहा है, तो वहाँ उसमें क्या होगा, उन्होंने रख के क्या करने। महंगाई ऊपर से इतनी है, सब्जियाँ आज मैंने टमाटर का रेट पूछा 200 रुपये किलो। 200 रुपये हो? हाँ जी। अब ये 200 रुपये किलो कोई टमाटर का रेट है? नहीं है। तो फिर वहाँ इंसान क्या करे, जो थोड़ी बहुत है दाल रोटी वो भी खाने चाहिए। क्या आज बगैर टमाटर के मैंने खाना बनाया? टमाटर तो बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है ना, लेकिन अब जब नहीं है तो कहाँ से लाएं? ज़रूरी है तो कह रहे पेट्रोल सस्ता हो गया, चीज़ें पेट्रोल ही खाली सस्ता हुआ है ना बेटा, खाली पेट्रोल के और कुछ सस्ता नहीं। जब पेट्रोल महंगा होता है हर चीज़ का रेट आसमानों पे चढ़ हो जाती है, लेकिन जब सस्ता होता है किसी कोई चीज़ नीचे नहीं आती, अपनी चीज उनका रेट वहीं का वहीं रहता है। बड़े अफसोस की बात है ये, आपको ये हुकूमत सब जिम्मेदार है ना, सारे जिम्मेदार तो चले छोड़े हम सब जिम्मेदार। जब एक बार चीज का रेट बढ़ गया ना, बात है अभी बेईमान है, जब चीज का रेट एक बार बढ़ गया ना वो नीचे नहीं आएगा, नीचे नहीं आएगा, उसने वहीं का वहीं रहना, चाहे पेट्रोल सस्ता हो चाहे महंगा हो, हमें ये 2-4 रुपया पेट्रोल से क्या लेना, जब दूसरी चीजें फिर वहीं की वहीं है, ना गैस पे कोई तवज्जो दे रहे, ना बिजली पे, इतने इतने टैक्स की समझ से बाहर है कि कौन कौन से टैक्स लगाए हुए हैं। कि बिजली का बिल कितना आया था? मेरा बिजली का बिल 15,000 से कम आता ही नहीं है, 12,000, 13,000, 15,000, 200 यूनिट से ऊपर ही चला जाता है, तो वो 200 यूनिट का वो रिलीफ मिला आपको? कोई नहीं रिलीफ, 400 रुपया वो हमारी जूतियाँ हमारे ही सर, वो 400 रुपया रिलीफ, क्या रिलीफ हुआ, वो तो हमारी जूतियाँ हमारे ही सर कर दिया बेटा उन्होंने, कि 12-13 हज़ार से एक यूनिट भी ऊपर चला जाए तो रेट अप है। हाँ जी, अप हो जाता है तो वो फायदा है, क्या फायदा हमें? चाहे तो हम वैसे ही नहीं पीते हैं, चाहे वैसे ही कहते हैं नुकसान देती है, खाना है वो कहते हैं वो भी ना खाओ, पेट्रोल पी लो, अब सस्ता हो गया तो। बहुत मुझे आप दोनों से बात करके वैसे बड़ा अच्छा लगा, बड़ी बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुनने, ये हकीकतें हैं जो हम आके जब लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि गुजारा कैसे हो रहा है, रिटायर्ड आदमी पेंशन पे है तो घर कैसे चला रहा है, मजदूर है उसको मजदूरी नहीं मिल रही तो घर कैसे चला रहा है, यहाँ पे सेल्स पर्सन जो कि बाहर निकलते हैं पेट्रोल उनको बहुत ज़्यादा लगता है, उनसे आके बात करते हैं, पूछते हैं कि वो गुजारा कैसे करें, हालात कैसे हैं। ये सब वो सवाल हैं जो जिनके बेस पे पॉलिसीज़ बननी चाहिए, जिसकी बुनियाद पे हालात जो हैं वो बेहतर होने चाहिए। जब पेट्रोलियम मसूआत की कीमतों में कमी की जा रही होती है तो ये मद्देनज़र रखना चाहिए कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या हुआ और आगे हम क्या पास ऑन करें। वाजह है कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, यहाँ पे भी सस्ता हो रहा है, लेकिन लेवी जो है वो अभी भी तकरीबन 60-70 रुपये के दरमियान बरकरार है, उसमें कमी नहीं की गई और यही वजह है कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो अभी काफ़ी ज़्यादा है।